देख सकते हो फ्रेंड्स कैसी मतलब भगदड़ देख रहे हो अंदर मंदिर में आने के लिए। बस जय श्री महाकाल दोस्तों। और हम लोग ने महाकाल दर्शन बहुत अच्छे करे, आपको मेरे पहले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो अब हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर और मामा गाड़ी लेने गए हैं। हम लोग जैसे ही आती है गाड़ी बैग वैग रख के फिर ओमकालेश्वर के लिए निकलेंगे और मिलते हैं आपको, रास्ते का पूरा सफ़र दिखाते हैं सुहाना। तो राहुल भी रेडी हो चुका है, वो अभी थोड़ा कैमरा फेस करने में डर रहा है तो, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वो भी अपना एक चैनल बनाने वाला है, वो आपको अपडेट बाद में दूंगा। भाई का चैनल को अपन को सपोर्ट करना है पूरा। Few moments later. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये लोग मेरी शक्तियों का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, इतना भारी बैग, ये आगे बैग, लेकिन ब्लॉग तो बनाना है तब भी एक हाथ से बना रहा हूँ। तो गाड़ी आ गई है, हम लोग जा रहे हैं, ये रही गाड़ी। भैया सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वजन भारी सामान लिया उसको निकालना है अपना सामान, भाई साहब ये हमसे रखवाओ पहले। ये बैग पकड़ो एक ले, ये दूसरा भारी बैग पकड़ो। फाइनल फ्रेंड ओमकालेश्वर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर की दूरी पे है। हम लोग थोड़ा पानी आनी पीने और पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गएंगे, तो ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा ओमकालेश्वर दर्शन के लिए। और आपको बहुत ही अच्छे ओमकालेश्वर दर्शन करवाने के लिए मैं खुद इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके दर्शन करने। मिलते हैंगे ओमकालेश्वर। पूरा नहीं आ जा रहा है, मज़ा आ गया। राहुल क्रॉस करते हुए भैया, अब यहाँ से अपन, वाह क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है, वाह मज़ा आ गया। गाड़ी की जो थोड़ी बहुत थकावट है वो सब गायब हो जाएगी ये व्यू देख के। जब भी आप ओमकालेश्वर आएँ तो यहाँ पे बस सेफ्टी का ध्यान रखें, ज़्यादा आगे मत जाएं और इस व्यू को एंजॉय करें। देखिए वाह, बिल्कुल नीचे अपन को ध्यान से देखना है। अबे उधर इतना गहरा नहीं है, अबे लग रहा है रे भैया। तो फ्रेंड्स पूरा व्यू देख के मज़ा आ गया भाई, पहाड़ देख के। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ओमकालेश्वर भी जल्दी पहुंचना है, फिर मिलते हैं रास्ते में और अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे आपको। चलिए हरे हरे नारे मने। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा रुके हैं ककड़ी लेने के लिए और डिहाइड्रेट हो गए थे, तो ये ओमकालेश्वर स्टेशन जस्ट मेरे सामने आप देख सकते हो, ये पीछे, यहाँ से आपको ये मैजिक और कुछ प्राइवेट जिप्सी हैं ये मिल जाएगी आराम से ओमकालेश्वर के लिए। और यहाँ से दो रूट होते हैं, एक सीधे जाता है और अपन को टर्न लेना है, जो स्टेशन के हाथ से उल्टे हाथ में पड़ेगा उस साइड से जाना है अपन को ओमकालेश्वर। तो बस ककड़ी ले ली हमने और निकलते हैं क्योंकि हमें लौटना भी है जल्दी सागर। फाइनली आ चुके हैं हम लोग ओमकालेश्वर। यह शिव जी के सबसे प्रिय नंदी बाबा यहीं बैठे हुए, देख रहे हो साइज देख रहे हो यार। तो फाइनल फ्रेंड्स ओमकालेश्वर आ चुके हैं और हमारा जो त्रिलिंग में से एक है, और उज्जैन जा गए थे हम, उज्जैन से ओमकालेश्वर। अब बस जस्ट अब भी उतरे हैं और जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। मामा उधर उधर Yeah.
ये बिल्कुल जस्ट सामने मंदिर है और देख सकते हैं आप। और अभी एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने मिलेगा। ये राहुल और मुनीश आगे चल रहे हैं। जय महादेव, देख सकते हैं आप ये भोले की नगरी सबसे अलग। अभी हम आ गए हैं, नीचे उतर रहे हैं, ये यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके मंदिर की ओर जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है सावन सोमवार के कारण। महादेव के दर्शन हर कोई करना चाहता है। बस चलो जल्दी से, अभी थोड़ा भीड़ है तो हम लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रहे हैं, बस पहुँचते हैं जल्दी मंदिर। इतनी भीड़ के कारण दर्शन तो हो ही नहीं पा रहे हैं, आप देख सकते हो कम से कम नहीं नहीं करके एक आधी किलोमीटर लंबी लाइन है ये। लेकिन करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब। लगेंगे लाइन में, करेंगे दर्शन, आपको भी करवाएंगे। दिल के धड़कन से तो आए जाना हमारे सब सब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कैसी मतलब भगदड़ देख रहे हो वहाँ अंदर मंदिर में आने के लिए। बस दर्शन मात्र के लिए देखो लोग मतलब बिना कोई चोट को फाइनली दर्शन बहुत मतलब बहुत मुश्किल से हुए, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुए हैं, मतलब कह नहीं सकते कितना। सावन सोमवार के कारण इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है भक्तों की कि उसको बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते अपन। लेकिन तब भी जैसे वैसे धक्का धुक्की खा के तुम्हारे भाई ने दर्शन कर लिए हैं। और आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, नर्मदा घाट के दर्शन अच्छे से नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि उस समय मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज हो गया था। तो अब हम लोग आ गए हैं इंदिरा सागर डैम, मतलब वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं सागर के लिए। और इंदिरा सागर डैम आप पीछे मेरे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डैम है। लेकिन अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो अलग ही फील आएगा, बहुत प्यारा डैम है। कभी आप लोग इस साइड आएँ तो इस रूट पर आएँ तो इंदिरा सागर डैम ज़रूर देखें। चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, सागर भी पहुंचना है जल्दी, मौसम ख़राब हो इससे पहले। आखिर जिसका डर था वही हुआ और मौसम ख़राब हो चुका है। और हम लोग 2-2.5 घंटे से एक जगह रुके हुए हैं। अब देखो जैसे ही मौसम सही होता है फिर निकलते हैंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैंगे और घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा हैगा। और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैंगे। और आपको अच्छे से ठीक से अंदर कैमरा, इतनी भीड़ थी, इतना रश था तो कैमरा नहीं ले जा नहीं पाए। तो उसके लिए अपन अगली बार चलेंगे। इस बार सावन सोमवार था तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी महाकालेश्वर ओमकारेश्वर में। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।